अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हकीम खान। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वज़न बढ़ाने की। जो मेरे दोस्त दुबले पतले हैं और अक्सर मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हकीम साहब, हम बहुत ज़्यादा दुबले हैं, पतले हैं, हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है, हमें कोई ऐसा नुस्खा बताइए घरेलू जिससे हमारा वज़न बढ़ जाए और हम भी, हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी दिखने लगे। अक्सर वो लोग जिनका वज़न कम होता है उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो वो समाज में जो है हीन भावना से देखे जाते हैं। लोग अच्छी अच्छी बॉडी बनाए रखते हैं, बाइसेप ट्राइसेप अच्छे बना कर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े भी जो है अच्छे फिट नज़र आते हैं। लेकिन जो लोग दुबले पतले होते हैं उनको बहुत थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कहीं ना कहीं। तो उन लोगों के लिए आज ये नुस्खा है, आप शर्मिंदगी महसूस ना कीजिए। आपको ऐसा नेचुरल नुस्खा बताने जा रहा हूँ, चाहे आपने गलतियाँ की हो बचपन में उसकी वजह से आप दुबले पतले रह गए हो, या फिर आपको खाया पिया नहीं लगता है, आप दोनों ही केस वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका हाजमा भी सही होगा, आपको भूख भी लगेगी और साथ ही साथ आपका वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। ये नुस्खा बहुत ही सिंपल है और आसान है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट को नोट फरमा लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गेहूँ, जो कि हम गेहूँ का आटा खाते हैं उत्तर भारत में, तो पूरी तरीके से गेहूँ का आटा खाया जाता है, तो उसी गेहूँ को आपको ले लेना है। 100 ग्राम गेहूं लेने हैं आपको। गेहूं को लेकर आपको क्या करना है, इनको रात को शाम के टाइम आप 100 ग्राम गेहूं पानी में भिगोकर रख दीजिए, ठीक है। पानी निकालने के बाद हमारे सभी के घर में ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर में इसको हल्का ग्राइंड करना है, ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना है। अगर इसमें ज़्यादा सख्त हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप, लेकिन इसको हल्का ग्राइंड कर लेना है। हल्का ग्राइंड करने के बाद इसको सारे को कपड़े में निकाल लेना है, सूती कपड़े में निकाल कर निचोड़ लेना है। जो निचोड़ने के बाद जो पानी बचेगा उस पानी को आपको इकट्ठा कर लेना है। उसको जो पानी नहीं होगा वो एक्चुअली में गाढ़ा द्रव होगा, उसको इकट्ठा कर लेना है। उसको आपको इकट्ठा करने के बाद अब इसको आपको 1 से 1.5 गिलास गाय का दूध लेना है। अगर गाय का दूध आपको नहीं मिलता है तब आप भैंस का दूध लीजिए। आप भैंस के दूध को ले लीजिए, उसको आप जो है किसी भगोने में रख लीजिए, और भगोने में जो ये मिक्सचर आपका बन निचोड़ने के बाद आया था इसको इसमें डाल दीजिए, दूध में डाल दीजिए। और साथ में 1 से 2 चम्मच देसी घी भी इसमें डालना है आपको। अब देसी घी गाय का हो या भैंस का हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो डाल दीजिए। अब जो मिक्सचर बना है आपका इसको उबालिए अच्छे से। उबालने के बाद 15 से 20 मिनट इसको उबालिए। इसमें अगर आप मीठा डालना चाहते हैं तब धागे वाली मिश्री आती है, वो धागे वाली मिश्री आप ले लीजिए। उसको इसमें 1 से 2 चम्मच मीठा जितना आप पीते हैं उतना डाल लीजिए, पाउडर कर लीजिए। और ये मिक्सचर जो बनकर तैयार हुआ इसको आपको सुबह खाली पेट पीना है। ऐसा आपको रेगुलर सुबह खाली पेट 30 दिन तक करना है। इंशाल्लाह आपका 5 से 7 किलो वज़न आराम से बढ़ेगा। और ये बहुत ही सेफ़ नुस्खा है, कोई साइड इफेक्ट नुस्खे के नहीं है।